Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video, which is third lecture of sequences of real numbers, इसमें हम study करने वाले हैं what are monotonic sequences. Monotonic sequences क्या होती हैं? इससे पहले we have studied upper bound of a sequence, lower bound of a sequence या bounded sequences क्या होती हैं? Bounded below sequences, bounded above sequences. सीक्वेंसेस कैसे एक फंक्शन से रिप्रेजेंट होती हैं, उनकी रेंज क्या होती है, ये सब हम पहले के दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, अब आज मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस हमने स्टार्ट करना है. मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस से हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डज द वर्ड मोनोटॉनिक मीन्स. मोनोटॉनिक का क्या मीन होता है? मोनोटॉनिक मीन कि जैसे अगर सपोज कीजिए कुछ भी अगर कोई सिंगर सॉन्ग बोल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर वो कुछ एक्सप्रेशंस नहीं है तो हम बोलेंगे वो मोनोटॉनिकली बोल रहा है ना. या फिर कभी हम कोई स्पीच दे रहे हैं, स्पीच में हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं है, सिर्फ एक ही टोन में हम बोल रहे हैं, मोनोटॉन में, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हम मोनोटॉनिकली बोल रहे हैं, कुछ उसमें एक्सप्रेशंस नहीं है. ओके, तो इस टाइप से सीक्वेंसेस में मोनोटॉनिक वर्ड कैसे यूज होता है? सीक्वेंसेस में ऐसे यूज होता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है 1 1 2 2 3 4 5 5 6 up to so on, इस टाइप की सीक्वेंस है. अब हम यहाँ पे देखें तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही हो रही है, ये सेम भी है, बट एक चीज हो रही है क्या कि दिस इज नेवर डिक्रीजिंग. दिस सीक्वेंस इज नेवर डिक्रीजिंग, ये कभी डिक्रीज नहीं हो रही, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग. मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग. ओके, जैसे कि सपोज कीजिए इस टाइप की सीक्वेंस है 1 1 1 by 3 1 by 5 1 by 5 1 by 6, सेम इस टाइप से ये क्या हो रही है, हमेशा इंक्रीज नहीं हो रही, हमेशा डिक्रीज नहीं हो रही, क्या हो रही है, ये सेम सेम भी है, बट एक है कि ये कभी भी इंक्रीज नहीं हो रही. दैट मीन्स दिस इज मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, ये कभी भी इंक्रीज नहीं हो रही है ना. हर जो अगला मेंबर है वो क्या हो रहा है, सेम भी हो सकता है और या फिर कम होगा, बट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, है ना. सिमिलरली ये हो जाएगी नॉन डिक्रीजिंग. तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं, अगर ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज कभी नहीं हो रही है ना, या फिर डिक्रीज हो रही है इंक्रीज कभी नहीं हो रही, इस टाइप की सीक्वेंसेस को हम मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस बोलते हैं. ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. A sequence n is said to be monotonic sequence. को आप n लिखते हो if it satisfies any of the following two conditions. कौन सी conditions? First condition वो ये कहता है कि an plus 1 is greater than equal to an for all n belongs to n. इस line का क्या मतलब हुआ? First statement को अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब हुआ कि a1 is less than equal to a2, हर अगला member, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए an is less than equal to an plus 1, है ना, कि हर अगला member first member से छोटा है, for all n belongs to n, कहाँ से start होता है, n equal to 1 से, that means sequence हमेशा कहाँ से start होती है, n equal to 1 से, a1 is less than equal to a2, is less than equal to a3, is less than equal to a4 up to so on, less than equal to an up to so on. ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस पैटर्न फॉलो कर रही है, दैट मींस वो क्या है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है. जैसे कि ये सीक्वेंस थी, क्या है, ये मोनोटॉनिकली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और अगर कोई सीक्वेंस है कि ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, जैसे कि ये सीक्वेंस थी कि हर अगला मेंबर पहले से छोटा है ना, या फिर ए वन क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू, ये होगा सेकंड का रिप्रेजेंटेशन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री,
greater than equal to a4 up to so on, greater than equal to an up to so on. तो ये हुआ अगर मोनोटोनिकली क्या है ये इंक्रीजिंग है ना एंड इंक्रीजिंग एंड दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. और मैंने आपको बताया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को आप और क्या बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग. ओके तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि सपोज कीजिए हमारे पास इस टाइप की सीक्वेंसेस हैं थर्ड कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसी में ही अगर कभी ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा हो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वन वन टू टू क्या हो रहा था कि नेवर डिक्रीजिंग था इंक्रीज हो रहा था है ना पर डिक्रीज कभी नहीं हो रहा था बट सेम भी तो था. अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल आ जाए सपोज कीजिए ए एन इज ग्रेटर देन ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन ठीक है. अगर आपके पास कैसा एग्जांपल आ जाए कि ए एन जो है लेस देन इक्वल टू ना होके क्या हो जाए सिर्फ लेस देन दैट मीन्स ए वन इज लेस देन ए टू इज लेस देन ए थ्री इज लेस देन ए फोर अप टू सो ऑन लेस देन ए एन तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज. ये क्या हो रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है ठीक है. ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इसमें क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इसमें होगा इफ ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन. ओके दैट मीन्स ए वन इज ग्रेटर देन ए टू ग्रेटर देन ए थ्री अप टू सो ऑन ग्रेटर देन ए एन अप टू सो ऑन ठीक है. तो ये क्या हो जाएंगी ये हो जाएगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके तो ये हुई आपकी चार सीक्वेंसेस जो मोनोटोनिक कैटेगरी में आती हैं जिनको हम क्या लेंगे कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं. ओके अगर ये जो फर्स्ट टू कंडीशंस है इफ अ सीक्वेंस जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है इफ अ सीक्वेंस इज फुलफिलिंग बोथ द कंडीशंस दैट मीन्स क्या लिखेंगे आप लेट्स सी दैट. अगर दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है फर्स्ट कंडीशन क्या थी ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन और सेकेंड कंडीशन क्या थी ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए एन इफ बोथ कंडीशन होल्ड दैट मीन्स वॉट विल बी देयर ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन इफ फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ए वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन वॉट डज दैट मीन इट मीन्स ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री अप टू सो ऑन ऑल दीज आर इक्वल ऑल दीज मेंबर्स दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा ये जो होगी ये क्या होगी दिस विल बी अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. ओके सो हेंस ए एन इज अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. ओके सो ये हुआ आपका कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और अगर दोनों कंडीशंस होल्ड हो रही हो तो क्या बोलेंगे हम इसको कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. और वन मोर थिंग अब हम ये पढ़ चुके हैं कि बाउंडेड सीक्वेंसेस कौन सी होती है लास्ट लेक्चर में किया था. यहाँ पे क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दैट मीन्स दिस इज बाउंडेड बिलो. हर मोनोटोनिक सीक्वेंस वेदर इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट विल बी बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव ठीक है कुछ भी हो सकती है और बोथ भी हो सकती है ठीक है बट एटलीस्ट एक तो होगी या बाउंडेड बिलो होगी या बाउंडेड अबव होगी. ओके दोनों भी हो सकती है बट एक होगी ठीक है. जैसे कि ये क्या है ये बाउंडेड बिलो होगी क्योंकि इसमें सबसे छोटा मेंबर हमारे पास है सारे बड़े होते जा रहे हैं तो बाउंडेड बिलो होगी. और इसका जो इन्फिमम होगा जो बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस होती है उनका क्या एग्जिस्ट करता है लोअर बाउंड. लोअर बाउंड में क्या एग्जिस्ट करता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो वो क्या होगा इन्फिमम इसका ए वन. ऐसे ही जो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है ये सबसे बड़ा मेंबर है ना तो ये सबसे बड़ा मेंबर है ये अपर बाउंड है ये सारे मेंबर्स इससे छोटे हैं तो ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है एंड दिस इज सुप्रीमम. अगर कोई बाउंडेड अबव होगी ये होगी बाउंडेड अबव
ओके एंड ये क्या होगी बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव होगी, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है और इसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है बाउंडेड बिलो का इनफीमम, ए वन इसका इनफीमम होगा, बाउंडेड अबव है तो ए वन इसका सुप्रीमम होगा। तो दीज आर मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस। अब हम इसमें चार टाइप के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास ए एन आता है तो आप चेक कैसे करोगे वेदर दिस सीक्वेंस इज मोनोटॉनिक और नॉट, ठीक है। तो वो चेक कर कैसे हम करते हैं, ये हम चार टाइप के एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, इस टाइप से सारी टाइप्स में हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करके डिस्कस करते हैं कि हाउ टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज मोनोटॉनिक और नॉट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं टाइप वन में। देखिए मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस में क्या होता है, या तो ए एन प्लस वन बड़ा होता है ए एन से, है ना, या फिर ए एन बड़ा होता है ए एन प्लस वन से, इस टाइप से ही है। तो अगर हम ये देखें, जैसे कि ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन कैलकुलेट करने पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ओके, इसका मतलब क्या होगा कि ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगी, है ना, ए एन प्लस वन बड़ा आ जाएगा अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो से बड़ा हो जाए, दैट मीन्स ए एन प्लस वन बड़ा हो जाएगा ए एन से, और इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, इफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी या फिर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे जो फर्स्ट टाइप है हमने उसमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है क्या, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है इस टाइप का, इसमें हम दो तीन एग्जाम्पल एन स्क्वायर, एन क्यूब और टू एन, इस टाइप का कुछ भी एग्जाम्पल अगर आपके पास आता है, ठीक है, ये आपको वैसे तो दिख ही रहा है हमें कि ये क्या है वन टू थ्री फोर, ये क्या है मोनोटॉन, ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये तो है ना, वैसे क्या है ये इंक्रीजिंग है, तो ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ए एन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। इस टाइप से ये भी होगा वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऑल दीज आप ऐसे ही करके देख सकते हो, ये सारी क्या आएंगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएंगी। और इनको हम और कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ए एन है, कोई भी हम एक ले लेते हैं, ए एन है एन स्क्वायर, ठीक है, ए एन प्लस वन क्या होगा, इट विल बी एन प्लस वन का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एन प्लस वन माइनस ए एन निकाल देंगे, क्या आएगा एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दिस विल बी एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपके पास टू एन प्लस वन, तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ये क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा ना, क्योंकि आप n1 से स्टार्ट करोगे पुट करना, n1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस टाइप से हम n क्यूब को 2n को सबको चेक कर सकते हैं, ओके। और इसी में ही अगर आपके पास an नेक्स्ट है आपका, लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, तो एग्जांपल 2 क्या है जिसमें आप किस टाइप की सीक्वेंस ले लो 1 बाय n और वन बाय एन स्क्वायर, ऐसे ही क्या ले लो वन बाय एन क्यूब और वन बाय टू एन, इस टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस में आप कैसे चेक करोगे, हमेशा वही चेक करोगे ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ओके। एक बार आप मेंबर्स लिख के भी चेक कर सकते हो कि ये क्या है बनेगी, फर्स्ट वाली वन बाय थ्री वन बाय फोर, ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है सीक्वेंस, है ना। तो इस टाइप से हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन, और इसको आप कैलकुलेट करोगे एन एन प्लस वन, दिस विल बी एन माइनस वन, इट विल बी माइनस वन अपॉन एन एन प्लस वन विच इज ऑलवेज लेस देन जीरो, क्योंकि एन एन प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा और ऊपर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा लेस देन जीरो आएगा, तो ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस होती हैं ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, अगर आपके पास इस टाइप का आ जाए थोड़ा सा बड़ा नंबर, ए एन आपको दे रखा है 3n/n+2, समटाइम्स यू गेट सीक्वेंस लाइक दिस ऑल्सो, आपको ए एन ऐसे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाने की तो नीड नहीं है, ऐसे ही आपको गिवन है। समटाइम्स आपको ऐसे देता है ए एन इज इक्वल टू 3n/n+2, ठीक है। तो अब हमने इसका चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करेंगे हम, ए एन प्लस वन निकालेंगे, ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा 3n+1/n+1+2। कैसे निकालते हैं ए एन प्लस वन, रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन, जहां जहां पे n है वहां वहां पे n प्लस वन, क्या आ जाएगा ये 3n+3/n+3, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ए एन प्लस वन माइनस ए एन, क्या होगा ये 3n+3/n+3 माइनस 3n/n+2, ठीक है। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा n+3 n+2, ये क्या बचेगा यहाँ पे 3n+3 × n+2 माइनस 3n × n+3, ठीक है। ये क्या बनेगा 3n² + 3n और प्लस 6n, क्या बन जाएगा ये 9n, ठीक है। प्लस 6 माइनस 3n² - 9n/n+3 n+2। अब मैं इसको यहीं पे ही देख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये ब्रैकेट के अंदर क्या था, प्लस था, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो गया 9n 9n। अब हमारे पास क्या आया 6n+3n+2, 6 ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा क्या है n+3 n+2, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि n पॉजिटिव होता है तो n+3 और n+2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस मीन्स दिस इज ग्रेटर देन जीरो, हमेशा क्या होगा ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो वी कैन, हमें नहीं पता कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, ये भी मोनोटोनिकली कैसी सीक्वेंस हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल्स आते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 2n-7/10, तो आपने हर क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करना है, an + 1 कैलकुलेट करोगे, an+1 - an, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओके। तो ये हो गया आपका इस टाइप के। अब हम आते हैं कि टाइप टू में किस टाइप के आते हैं, अगर आपको ए एन में ही एक सीरीज टाइप का दे रखा हो, ठीक है। तो लेट्स कम टू टाइप टू, एग्जाम्पल नंबर 4 कीजिए। आपके पास ए एन कैसा है, 1+1/2+1/3+1/4 up to so on 1/n, इस टाइप का। पहले सिर्फ क्या था, जैसे कि n में था ओनली, ठीक है, आप n1 पुट करते थे, n2 पुट करते थे, ओके। यहाँ पे क्या है, an ही आपको क्या दे रखा है, 1 से लेके पूरा n तक की सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही an+1 हम कैलकुलेट करेंगे। अगर an में n तक है तो an+ में कहाँ तक जाएगा, n+1 तक जाएगा, प्लस 1/n 1/n+1, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, an+1 - an कैलकुलेट करेंगे। जब आप इस पूरी सीक्वेंस में से, इस पूरी में से, नंबर में से, सीरीज में से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस करेंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ओनली 1/n+1 विच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या लिख देंगे इसको, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an। अगर इस टाइप का कुछ भी आता है तब भी आप कैसे करेंगे, जो भी an आपको दे रखा हो, सपोज कीजिए 1+3+5 up to so on 2n plus, this is 2n minus 1, ठीक है,
इस टाइप से कुछ भी दे रखा हो तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए एन प्लस वन कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो कैलकुलेट करके आपको माइनस करना है और ये चेक करना है ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, और आपको मिल जाएगा कि ये क्या है, ओके, इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली या फिर डिक्रीजिंग है। अब हम आते हैं, अगर तो ये टाइप हो गया, अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको ऐसे चेक ना करके थोड़ा सा अलग चेक करना है। तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर फाइव। सो एग्जाम्पल नंबर फाइव करने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि मोनोटॉनिक के केस में हम क्या चेक करते हैं। ए एन प्लस वन अगर बड़ा है ए एन से, दैट मीन्स ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, यही होता है। तो अगर अभी तक हम कैसे चेक करते हुए आ रहे थे, ए एन प्लस वन में से ए एन को माइनस करते थे और यहाँ जीरो आता था अगर माइनस में लेके जाते थे। अगर इसी टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये नीचे गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन। तो एक मेथड ये भी है मोनोटॉनिक को चेक करने का कि अगर ए एन प्लस वन ए एन से बड़ा अपॉन ए एन ग्रेटर देन वन है, अब यहाँ पे आपको वन देखना है, अब जीरो नहीं देखना, आपको क्या देखना है, वन। अगर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन वन से बड़ा है, दैट मीन्स मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही अगर हम देखें ए एन अपॉन ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन है तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। दैट मीन्स ए एन अपॉन ए एन इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इज हियर ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन है तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा, ओके। तो देखिए इसमें हम किस टाइप से चेक करते हैं, हम थोड़ा सा जो भी हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास ए एन है 4 अपॉन 5 की पावर n, इसको हमने चेक करना है दिस सीक्वेंस विल बी मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सीक्वेंस क्या बनेगी, कैसे बनेगी, ये बनेगी 4 अपॉन 5, 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्या होगा 4 अपॉन 5, 16 अपॉन 25, दिस विल बी 64 अपॉन 125, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि ये क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये 4 अपॉन 5 है, ये क्या है 16 अपॉन 25, अगर हम सेम बना दें, ठीक है, ये बन जाएगा 20 अपॉन 25, दिस इज 16 अपॉन 25, तो ये क्या है, ये बड़ा है नंबर, दैट मीन्स ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, ठीक है। अब अगर हम 16 अपॉन 25 और 64 अपॉन 125 को देखें तो क्या आएगा बताइए, 80 64, ऐसे चेक करते हैं हम, कंपेयर कर लिया तो क्या है, ये बड़ा है, ए टू बड़ा है ए थ्री से अप टू सो ऑन, इस टाइप से जा रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। आप एक और टर्म भी चेक कर सकते हैं 4 रेस टू पावर 4 अपॉन 5 रेस टू पावर 4, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 16 256 अपॉन ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, इसको भी चेक कर सकते हैं ये क्या आएगा, ए थ्री बड़ा आएगा ए फोर से। तो अब हमें पता है कि ये क्या है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, ए एन बड़ा होता है ए एन प्लस वन से, सो वी नीड टू चेक, हम ए एन अपॉन ए एन प्लस वन चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, अगर वो वन से बड़ा आ गया तो ये आगे भी क्या है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखिए कैसा होगा, ए एन क्या है आपका 4 रेस टू पावर एन अपॉन 5 रेस टू पावर एन, और ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा 4 रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन 5 रेस टू पावर एन प्लस वन, तो क्या आएगा ये आपके पास 4 रेस टू पावर एन 5 रेस टू पावर एन मल्टीप्लाई 5 रेस टू पावर एन इंटू 5 4 रेस टू पावर एन इंटू 4, इसको आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं 4 रेस टू पावर एन प्लस वन को दिस, ओके। तो ये क्या आ गया आपके पास 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 क्या वन से बड़ा होता है, यस, दिस इंप्लाइज ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, हेंस दिस इज मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसको हम ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पे ए एन प्लस वन माइनस ए एन ना चेक करके क्या चेक करेंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन या फिर
एन प्लस वन अपॉन ए एन। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखें, ए एन इज इक्वल टू 3^n / n। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल का केस आ गया। ओके, जब भी फैक्टोरियल का केस हो या फिर पावर का केस हो, उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस ना करके डिवाइड करके चेक करते हैं, डिवाइड ए एन अपॉन ए एन प्लस वन या फिर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, ऐसे करके चेक करेंगे क्या ये वन से बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए ये क्या है, आप इसको पहले एक बार हम जज करते हैं कि ये क्या है। दिस विल बी 3/1 3^2 3³/3 3⁴/4 3⁵/5 अप टू सोन। तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी 9/2 दिस विल बी 3⁷/6। तो ये भी आ जाएगा आपके पास, एक 3 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 9/2 दिस विल बी 3⁴ है, दैट मीन्स 3⁴ ऊपर 3 और नीचे फैक्टोरियल में एक 3 होगा, तो क्या बचेगा 27 4 2 8। ओके, सो ऐसे ही नेक्स्ट आप करेंगे, 3⁵ है ना, तो ये क्या होता है 5 times 3 है। ओके, और इसमें भी 5 4 3 2 1 है। ओके, तो 8 3 तो कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा 81/5 4 20 2 40 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये 3 9/2 9/2 सेम है, अब ये क्या है 4.5 20 9/2 इज यू कैन राइट 4.5 4.5। ओके, व्हाट इज दिस, आप इसको डिवाइड कीजिए 27 को 8 से 8 3 जा, अब की बार क्या हो गया, ये इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट से, बट क्या हो गया सडनली फिर सेम हुआ और फिर डिक्रीज हो गया। एक बार हम नेक्स्ट और देखेंगे, 8 3 जा 24 और आपका 3 बचेगा तो क्या आएगा आपका 3 30 होगा, तो आप क्या कर देंगे 8 3 जा 24। ठीक है, 30 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है आप इसको करेंगे, ये क्या आ जाएगा 42 जा 82.01 अप टू समथिंग, इस टाइप का कुछ आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये पहले इंक्रीज हुआ फिर क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, बट आगे यहां से ये क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो डिक्रीजिंग वाले पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं कि an जो होगा वो an प्लस वन से बड़ा होगा, यही चेक करते हैं। तो हम an अपॉन an प्लस वन वन से बड़ा होगा, तो इस कंडीशन में जब हम ये एक टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं जिनको हम अभी हम डेफिनेशन इसकी करेंगे, ये क्या डेफिनेशन है, ये क्या कहती है, ये देखो सबसे पहले इसका हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले ये देखिए फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कौन सी सीक्वेंसेस हैं ये। ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा 3^(n+1)/n+1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 3^(n)/n और ये एन प्लस वन फैक्टोरियल यहां हो जाएगा 3^(n+1), ये क्या आएगा 3^(n)(n)(n+1)(n)(3)। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, अब ये बच्चा n+1/3, क्या ये हमेशा वन से बड़ा होगा, नहीं, अगर आप n को वन पुट करेंगे तो ये वन से बड़ा नहीं होगा। सो 4 n/n+1/3 > 1 implies n+1 > 3 होना चाहिए, implies n greater than क्या होना चाहिए, greater than equal to 1 होता है ना, n should be greater than equal to 2। अगर n 2 से बड़ा होगा तो उसके लिए ये क्या हो जाएगी, decrease, monotonically decreasing। ठीक है, but 2 से पहले के लिए मतलब n equal to 1 के लिए तो ये क्या है, ये मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंसेस जो कुछ एक नंबर्स के बाद क्या हो रही हो, एक
पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, पहले कुछ और है बट कुछ नंबर्स के बाद एक पैटर्न फॉलो कर रही है, आइदर इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो। इनको हम बोलते हैं इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कोई भी हम बात बोल रहे हो तो इवेंचुअली दिस हैपेंड, इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो दिस इज इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जो पहले अलग हो, पहले ये क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, फिर बाद में डिक्रीज होने लग गई, ठीक है, बट लास्ट में पूरा क्या ही हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर ऐसा होता कि पहले इंक्रीज हो रही होती या फिर पहले क्या हो रही होती, डिक्रीज हो रही होती, बाद में इंक्रीज होती जाती, तो इसको हम बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न थोड़े नंबर्स के बाद फॉलो करती है, डिपेंड्स की एन इक्वल टू टू के बाद फॉलो कर रही है, एन इक्वल टू फोर के बाद या थ्री के बाद, इस टाइप से, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम इसको चेक करते हैं तो अपने आप हमारा आ जाता है कि ये वन से बड़ा कब होगा, जब ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल सिक्स, जिसमें हमने ये केस डिस्कस किया थर्ड वाला टाइप थ्री, कि हमें किस टाइप से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है, जिसमें हमें ए एन प्लस वन ए एन की टर्म्स में ही क्वेश्चन दे रखा होगा और हमें चेक करना होगा। ऐसे केसेस में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू चेक करते हैं कि जो ये सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर सेवन। सो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेवन, जहां पे अभी तक आपको ए एन दिया होता था एन की टर्म्स में। ए एन अगर सिर्फ एन में था या फिर एक सीरीज थी या फिर फैक्टोरियल्स या पावर्स की फॉर्म में था, ठीक है। अब ये लास्ट टाइप है जहां पे ए एन प्लस वन ए एन की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हमारे पास अब एन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का केस आता है तो इसको हम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि हम किसी भी क्वेश्चन को एन इक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं, फिर अगर वो वन के लिए ट्रू है देन वी अज्यूम कि इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, वी अज्यूम लेट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ठीक है। देन इससे इसी से सॉल्व करते हुए अगर ये के प्लस वन के लिए भी एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होता है देन वी से इट इज ट्रू फॉर ऑल एन। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि वन के लिए आप चेक करते हो ट्रू होता है तो फिर आप सपोज करते हो कि इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, एंड उससे सॉल्व करते हुए आप लेके आते हो इट इज ट्रू फॉर के प्लस वन एज वेल। इफ के और के प्लस वन के लिए हो जाता है तो आपको कह देते हो कि इट इज ट्रू फॉर ऑल एन। सो अब आपके पास ए एन प्लस वन इज इक्वल टू है अंडर रूट टू प्लस ए एन, ओके। सो अब ये क्या सीक्वेंस बनेगी, ये बनेगी ए वन, आपके पास क्या होगा जब आप ए टू लोगे, ए टू क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपको ए वन गिवन आता है, ओके, विच इज जीरो। सो ए टू क्या हो जाएगा, ए टू विल बी अंडर रूट टू प्लस ए वन क्या है, जीरो है, दिस इंप्लाइज अंडर रूट टू। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री विल बी टू प्लस ए टू, दैट मीन्स टू प्लस अंडर रूट टू, ओके। ए फोर इस टाइप से जो भी बनेगा, ठीक है। अब हमने बेसिकली फर्स्ट किसके लिए चेक करना है, ए टू माइनस ए वन फॉर एन इक्वल टू वन, फॉर एन इक्वल टू वन, या फिर इफ एन इक्वल टू वन, ए टू माइनस ए वन क्या होगा, अंडर रूट टू माइनस जीरो विच इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीज हो रही है, ए टू ए वन के लिए क्या है, ए टू क्या है, ए वन से बड़ा है ना। नाउ लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज क्या होगा, इसका मतलब ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन ए के। अब यहां से आपको प्रूफ करते हुए k प्लस वन के लिए ले आओ, मतलब कि a k प्लस टू a k प्लस वन से बड़ा हो जाए, इसको सॉल्व करते हुए इसी को ही, तो आप बोल दोगे इट इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है।
इसका मतलब आपको क्या लेके आना है, आपको लेके आना है ये, यहाँ पे हम देख लेंगे हमें क्या लेके आना है, हमें ये लेके आना है ए के प्लस टू बड़ा होना चाहिए ए के प्लस वन से, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ टू प्लस ए के प्लस वन बड़ा होना चाहिए अंडर रूट ऑफ टू प्लस ए के से, यही होना चाहिए। ये फॉर्म दिख गई हमें, यहाँ पे हम क्या वही फॉर्म बना सकते हैं, यस कैसे, इन दोनों साइड टू प्लस एड कर सकते हैं टू, अगर ए के प्लस वन बड़ा है ए के से तो टू प्लस ए के प्लस वन बड़ा होगा टू प्लस ए के से, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, या फिर यहाँ पे नहीं नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ टू प्लस ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन टू प्लस ए के, दिस इंप्लाइज ये किसकी डेफिनेशन है टू प्लस ए के प्लस वन, ये डेफिनेशन है ए के प्लस टू की इज ग्रेटर देन ए के प्लस वन, हेंस इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन एज वेल, के लिए हमने लिया था, इसी को सॉल्व करते हुए हमने ये कर दिया कि ये k प्लस टू के लिए भी ट्रू है k प्लस वन के लिए, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब हमने इसमें चारों टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, एक बार आप फिर ध्यान से देख सकते हैं कि क्या क्या होती हैं चारों टाइप्स, और आप इसी से नोट्स ही बना सकते हैं, और इसके और एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।